जब उन्होंने कहा कि मूर्ति टूटेगी, मैंने कहा क्यों टूटेगी, हमारे बाबा साहब की, हम मर जाएंगे लेकिन हमने मूर्ति नहीं तोड़ने देंगे। जब हम नहीं माने, उस मूर्ति से नहीं हटे तो हमें लाठी चार्ज किया, और जब ज्यादा मैं नहीं मूर्ति से हम हटे पूरी लेडीज, तो हमारे कपड़े फाड़ दिए गए। फिर बाद में जब हमारे कपड़े फट चुके, मैंने उनसे चीख चीख के कहा, मैंने कहा तुम्हें भारी पड़ जाएगी, लड़कियों को भी मारा पीटा, उनको कहा तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, हम ये कर देंगे, कर दिया उन्होंने, सबके मुकदमे दर्ज करा दिए, सबके ऊपर मुकदमे, सबके मुकदमे हैं। बाबा साहब की 13 साल पुरानी मूर्ति लगी हुई थी, योगी सरकार ने उस मूर्ति को उठा दिया गया है। 5,000 से ज्यादा प्रशासन था। क्या कोई कोर्ट का ऑर्डर था, कुछ ऐसा कारण क्या था? कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था उनके पास में, केवल वाय उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को, और उन्होंने रातों रात उसको तोड़ के लेके गए। रात को 2 बजे के समथिंग हर घर में पुलिस थी, सबके दरवाजों को लॉक कर दिया गया, इस तरह से उन्होंने किया है। ये तो बन गया मोदी, अब ना देना ऐसा भाड़ को कोई वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं रंजय कुमार, और आज हैं हम जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। संसद में जहां घमासान चल रहा है, वहीं सड़क पे भी प्रदर्शन चल रहा है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर सिंह जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है योगी हटाओ यूपी बचाओ। तो जिस तरह से संसद में घमासान मचा हुआ है, उसी तरह सड़क पे भी जो है घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निशा तंवर। क्या कहेंगे मैम, आप लोगों का ये विरोध प्रदर्शन किस कारण है, क्यों आई हैं आप लोग? सर नमस्कार। जिस तरह से सर बिजनौर के एक शहर में, चांदपुर शहर के अंदर, बाबा साहब की 13 साल पुरानी मूर्ति लगी हुई थी, प्रशासन ने, योगी सरकार ने उस मूर्ति को उठा दिया गया है, उखाड़ के उसका अपमान कर दिया है, इनकी हमारे मसीहा की प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया गया है। और जो महिला हैं, जो महिला आज यहाँ पहुँची हैं, उन महिला पर लाठी चार्ज किया गया है, कपड़े फाड़े गए, घसीट घसीट कर उनको मारा गया है, लेकिन जो हमारी महिलाएं फिर भी पीछे कदम नहीं बढ़ा हटाया उन लोगों ने। वहीं पर 16 तारीख की घटना है, सतपाल तंवर जी जो भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एंड प्रमुख हैं, वो वहाँ पहुँचे थे 16 जून को बाबा साहब की प्रतिमा पे फूल चढ़ाने के लिए, लेकिन कम से कम 5,000 की संख्या पुलिस प्रशासन वहाँ था, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर फूल नहीं चढ़ाए जाए, फूल नहीं चढ़ाए, तो सतपाल तंवर जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन वो लाठी चार्ज करते गए। और वहाँ पे जो उनके ससुर हैं, यानी कि वो घर पे खाना खाने के लिए आए थे, यानी कि मेरे पिताजी जो 70 ईयर ओल्ड हैं, और जिनके 3-3 जमान बेटों को उन्होंने कंधा दिया, उनकी 2-2 बहुएं हैं विडो, 6-6 पोता हैं जिनका वो घर चलाते हैं, और उनको सिर्फ 16 तारीख से बेकसूर को 16 तारीख से, और एक सचिन राज लड़का है उसको बेकसूरों को सर 16 से आज तक वो जेल के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया। मेरे फादर से सर चला भी नहीं जाता, वो उठ बैठ नहीं सकते, उनको घसीटते हुए लेके गए, इस तरह से हालात बना दिए गए उन्होंने। हम आपको कैमरामैन को कहना चाहेंगे, देखिए किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है इनके पोस्टर पे कि शिव चरण सिंह और मुंशी जी को रिहा करो, सचिन राज को रिहा करो, बिजनौर जेल के ताले टूटेंगे, भीमराव के सिर छूटेंगे, बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के जो इनके, और चांदपुर के 60 और 96 से ज़्यादा बेकसूर दलितों के ऊपर जो है झूठे मुकदमे लिए गए हैं। ये जो घटना हुई थी महिलाओं के साथ, जो बदसलूकी हुई है, वो किस दिन हुई है महिलाओं के साथ, जो आप पहली घटना बता रहे हैं? सर पहली घटना उनकी 8 तारीख हुई थी, 8 जून, और उसके बाद में सर जो हुई थी 14 जून को हुई थी, और उसके बाद जो है 16 जून को लगातार हुई है सर, लगातार हुई है। और जो मेरे फादर के ऊपर जो मुकदमा लगाया सर 8 तारीख को लगाया। तो कारण क्या था, कारण जो ये सब हुआ इतना ज्यादा, उसका कोई कारण तो होगा? सर वो बाबा साहब की प्रतिमा हटाना चाहते थे और हमारे लोग उसको बचाना चाहते थे, केवल यही कारण था कि बाबा साहब को बचाने के लिए ही हमारे लोगों पर ऊपर मुकदमा लगाएगा। और प्रशासन के लोग आए थे हटाने के लिए? 5,000 से ज्यादा प्रशासन था। क्या कोई कोर्ट का ऑर्डर था, कुछ ऐसा कारण क्या था? कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था उनके पास में, केवल वाय उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को, और उन्होंने रातों रात उसको तोड़ के लेके गए। रात को 2 बजे के समथिंग हर घर में पुलिस थी, सबके दरवाजों को लॉक कर दिया गया, इस तरह से उन्होंने किया है। क्या आप बता रही कि महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, बदसलूकी हुई, तो क्या उनके साथ महिला फोर्स थी जो ये सारे काम हुए?
देखो पहले दिन मैंने महिला फोर्स नहीं देखी, मुश्किल से 2-4 महिला फोर्स थी, लेकिन जो उनको घसीट रहे वो सारे जेंट्स ही घसीट रहे। ये जो महिला है सुशीला जी, इनको घसीटा गया बहुत ज्यादा जी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोग आए हुए हैं ये सभी चांदपुर से आए हुए हैं, बिजनौर का चांदपुर नगर है, और यहाँ हम कुछ लोगों से बात करें। माता जी क्या हुआ था, आप पूरी बात बताइए। हुआ क्या था, मैं तो हुई खड़ी थी, अबे हम भी काट थे, रोटी खाने आए थे, गदाबद आकर किसी ने कह सोचना दे दिया, उन्हें ठाक ले गए। मुझे पता, मैं ऐसे ही खड़ी रह गई, मुझे कुछ नहीं दिखा, चक्कर आ गया, मुझे कुछ पता नहीं, फिर मैं खड़ी की खड़ी रह गई। मैंने कहा मैं कैसे करूँ, अब किसे भेजूँ, मैं थाने में भी नहीं गई, और जब मैं चली जाती तो छोड़ भी देती, मेरा जाना नहीं हुआ, मेरा हार्ट फेल हो गया। तो यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए आप। देखो 8 तारीख हम रोज वहाँ पे भजन करते थे, 8-10 दिन से डेली भजन कर रहे थे, सारी लेडीज़ें करती थी वहाँ, करते थे बहुत टाइम से। और एक दिन प्रशासन आया और उन्होंने हमारी मूर्ति को हाथ लगाने की कोशिश करी, तो हम सब ऐसे चारों तरफ उनके चारों तरफ घेर के खड़े हो गए। जब उन्होंने कहा कि मूर्ति टूटेगी, मैंने कहा क्यों टूटेगी हमारे बाबा साहब की, हम मर जाएंगे, लेकिन हमने मूर्ति नहीं तोड़ने देंगे। उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा, उन्होंने नाटक दिखाया, बहन जी मान जाओ, इनको ले जाओ, उनको ले जाओ। जब हम नहीं माने, उस मूर्ति से नहीं हटे, तो हमें लाठी चार्ज किया, और मेरे हाथ पे चोट भी है, यहाँ इस जगह चोट है, ये गर्दन में चोट है। जब पुलिस वालों ने धक्का मुक्का करा, लाठी चार्ज करा, और जब ज़्यादा मैं नहीं मूर्ति से हम हटे पूरी लेडीज, तो हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, कोई इधर से खींच रहा हमें, हम ऐसे, मतलब मैंने ये भी कहा। उनके साथ क्या महिला फोर्स नहीं थी, महिला पुलिस बल नहीं था? महिला पुलिस को बाद में बुलाया उन्होंने, बहुत बाद में बुलाया, जब ये सारा खेल हो चुका, फिर बाद में जब हमारे कपड़े फट चुके, मैंने उनसे चीख चीख के कहा कि समाज में हूँ मैं, यहाँ लोग मुझे देखेंगे इस हालात में, तो क्या करूँगी, और हमारी लेडी से ये सारी ऐसा कर दी है, तो बताओ क्या होगा। तो तब उस टाइम उन्होंने, मैंने कहा तुम्हें भारी पड़ जाएगी, ये चीज़ भारी पड़ जाएगी, हमारे कपड़े फट गए, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तो मैंने पुलिस वालों को झटक के मारा और वो नीचे गिर गए उस टाइम पे, फिर तुरंत तभी उन्होंने वो पीछे हट गए थोड़ा सा, और लेडीज पुलिस बुलाई उस टाइम, लेकिन मेरे उस टाइम चोट लग चुकी थी, क्योंकि मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। मैंने उनसे ये भी बोला था कि मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, भारी पड़ जाएगा, नहीं माने। फिर भी हमने मूर्ति उस दिन 8 तारीख में बचा ली, 14 में फिर ऐसे ही आए वो, फिर यही हाल करा उन्होंने, फिर लेडीज से फिर भी बहुत हिम्मत करी लेडीज ने, मैं मानती हूँ, मैं नहीं और सब ने भी बहुत हिम्मत करी, सब आगे बढ़ी, लड़कियां भी, लड़कियों को भी मारा पीटा, उनको कहा तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, हम ये कर देंगे, कर दिया उन्होंने, सबके मुकदमे दर्ज करा दिए, सबके ऊपर मुकदमे, सबके मुकदमे हैं, और कोई नहीं छोड़ा हमारे घर में, हमारे आदमी तो भागे फिरे, बताओ हम अपने बच्चों को। आज के समय में वो मूर्ति वहाँ है नहीं, मूर्ति को ऐसे कर दिया वहाँ से, तोड़ के पता नहीं कहाँ फेंक दी, क्या कर दिया, अब हमें नहीं पता, हमें तो हमारी मूर्ति चाहिए और उन दोनों की रिहाई। उन्होंने कुछ कारण बताया कि मूर्ति क्यों हटाई जा रही है, कोई खास कारण? कुछ भी नहीं बताया हमसे, तो मैंने कहा दिखाओ कुछ, क्या कर दिया मूर्ति के साथ ही हमारी, और हमारे घर में पुलिस बढ़ गई, और हमारे बाल को कोई मारा, और हमें भी मारा, और हमारी रोटी पर आफत हो रही अभी तक, जरा क्या कर रहे हैं हमारे घर में पुलिस वाले, बताओ ऐसी सरकार हो गया क्या? अब ये तो बन गया मोदी, अब ना देना ऐसे बाहर को कोई वोट के है नहीं, लड़के हाँ। के मार के और हमारे बालकों को मार रहे क्षेत्र पुलिस वाले, बताओ कहाँ की सरकार है, कहाँ का इंसाफ है ऐसा? आपके बालक जेल में है? हमारे बच्चे जेल में तो नहीं है, नाम तो कर रखे है ना, FIR कर दी उनकी। अरे पुलिस पड़ी वहाँ पे, अभी पुलिस हमें अभी पुलिस नहीं दे रही, प्रशासन का हमें बहुत बड़ा सदमा बैठ गया कि हमारे दिलों पे, हम तो सब घर में बीमार पड़े थे जी, अभी कैसे कैसे आए हैं वो हमें पता है कि कैसे आए हैं हम, कैसे आए हैं आप लोग, मतलब ये चल के आए हम तो पैदल चल के आए, जक्शन लगे मेरे, बीमार हो गए थे जब वो मूर्ति उठाई, हमें दवा धक्के मुक्के डंडे कपड़े टुकड़े, गाड़ी कोई भी गाड़ी हमें या किसी चीज में बैठने नहीं दे रहे, घर से निकलने ही नहीं दे रहे, बताओ कैसा है। हम छुप छुप के रात को 1-1 बजे 2-2 बजे कोई किसी की जगह, कोई किसी की जगह से निकल के ऐसे आए हैं। कितने लोगों पे FIR हुई है वहाँ पे? वहाँ कम से कम 100 आदमी होंगे, 96 शायद 96 लोग होंगे। और ये घटना 8 जून की रात को है, और मूर्ति किस दिन हटा दी गई वहाँ से? मूर्ति 16 जून को, नहीं 21 जून को, 21 को हाँ, 16 जून को भी झगड़ा हुआ था इसी बारे में, हाँ। ये तो कई बार हो गया, बिजली कटवा दे और जब अंधेरा में ठाई पूरी तरफ पल्ला लगा के सो करके अंधेरा करके, और हम बचाने गए तो शहर में पेशी हो रही हमारे घरों में बाहर शहर में, और इतना सब कुछ बवाल होता, कोई लोग आए नहीं सरकार के लोग, कोई जब पेशी पड़ी थी तो कौन आता,
डंडा चार्ज कर रखा था। कोई पार्टी पुटी के लोग, कोई कुछ पार्टी के लोग, कुछ नहीं, सारी पीएससी और ये पुलिस प्रशासन सब उनका था, हमारा कोई नहीं। हमें तो सबको घर में बंद कर दिया उस टाइम, और ऐसे बंद करके हमारी मूर्ति पे ऐसे वो चला रहे थे बुलडोजर और ये जो सब्बल होते हैं, जैसे लग रहे थे कि हमारे दिलों पे पड़ रहे थे, और हम रो रहे बिलक रहे, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। प्रशासन ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी, कोई पार्टी वाला भी फिर नहीं आया साथ, नहीं कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया हमारे साथ। इतनी बहुत बहुत ज्यादा, और मैं तो बीमार भी पड़ गई थी, मेरा तो ऑब्जेक्शन नुकसान लगा जब उठकाई सर। अभी वहाँ क्या स्थिति है? अभी पुलिस बैठी है वहाँ पे, निकलने नहीं देती हमें। इंसाफ देने को तैयार नहीं, बिजनौर की भी शहरी, धोरन नेड़े की शहरी पुलिस भी की पड़ी सब, कोई हमें इंसाफ नहीं दे रहे। दस जिलों की पुलिस थी उस टाइम, 10 जिलों की, और हमने फिर भी उनका मुकाबला करा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी हमने। 8 को भी करा, 14 को भी करा, 16 को भी करा, पर 21 में हम बहुत ज्यादा मजबूर हो गए। जब पुलिस फोर्स उन्होंने इतनी बुला ली कि कोई चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा था, चप्पे चप्पे पे, छत पे भी, गेट पे भी, गलियों पे भी, पूरे पूरे शहर में। अब आप लोग आगे क्या चाहती हैं? आप लोग जो है आए हैं विरोध प्रदर्शन, प्रतिमा चाहिए वही लगी हुई, और हमारे दोनों आदमियों की रिहाई जो हमारे मोहल्ले के हैं। अच्छा, अभी भी दो लोग वहाँ जेल में, जेल में है, बहुत दुख झेल रहे हैं वो, जेल में बंद कर रखे दो आदमी हमारे बेचारे। जेल का क्या उम्र है उनकी जो बूढ़े हैं? उनकी है 70-73 साल। तो आप लोग चाहती हैं कि उनको जल्दी से जल्दी रिहाई, रिहाई चाहिए हमें उनके लिए। तो आपने सुना अभी जो ये भीम सेना के लोग हैं, और ये बिजनौर के चांदपुर शहर से आए हुए हैं, नगर से आए हुए हैं, और इनका कहना है कि 8 जून को, 16 जून को और 21 जून को वहाँ लगातार जो है पुलिस बल, पुलिस का हमला आता रहा, और वहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति थी जो 13 साल पुरानी थी, उसको हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि इनके साथ मारपीट गई की गई, इनके कपड़े फाड़े गए, और बाद में महिला पुलिस बल को बुलाया गया। तो इस बात को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, और इनका कहना है कि दो लोग अभी भी गिरफ्तार हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और जल्दी से जल्दी वहाँ पे फिर से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रशासन ने, जो वहाँ के आम नागरिक हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि लाठियों उन पर बरसाई गई हैं, इनको जो है काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा गया है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।